Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mere intihai qabil ehtiram stage par akabreen Nazria Pakistan Forum, meri betiyon, behnon, khawateen hazrat, assalamu alaikum. आज की ये तकरीब 5 फरवरी को कौमी डे करार देते हुए, कश्मीर डे करार देते हुए इसको छुट्टी का दिन इसलिए मनाया कि 30 साल से पूरी कौम इस दिन को कश्मीरियों के साथ अजहार यकजहती करते हुए मनाती है और अपनी आवाज को बुलंद करके उन अदालतों तक पहुंचाती है कि आप होश के नौफल लें, सोचें, गौर करें। मैं समझता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जिस जुर्रत के साथ अभी हमारे बहुत से मुकर्रीन ने इन ख्यालात का इजहार किया है, उनमें से जनाब प्रोफेसर राणा मुनव्वर साहब, खसूसी तौर पे मियां रिफत कादरी साहब और मौलाना अलामा ज़ाहिर महमूद कासमी साहब, अलामा रियाज़ खान साहब और दूसरे मुकर्रीन ने अपने ख्यालात में इस बात को वादे किया है कि कश्मीर के बगैर पाकिस्तान अधूरा है, कश्मीर पाकिस्तान की शरग है। कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शरग है। उस वक्त हिंदू बनिए ने अंग्रेज के साथ मिलकर हरि सिंह को वहां पे बैठा के उस खित्ते को कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन ये हिस्सा मुतनाज़ा बन गया और अक़वामे मुत्तहिदा में चला गया और अक्सरियती जो करारदाद वहां पे पेश हुई, जो हिंदू वज़ीर आज़म उधर जाके गिड़गिड़ाया कि हम इंशाल्लाह इस करारदाद पे अमल करेंगे, लेकिन उस करारदाद पे अमल नहीं किया गया। वो करारदाद ये थी कि जहां मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं वो उनको इजाजत है कि वो अपने जमीर के मुताबिक फैसला करें, तो कश्मीर ने भी अपने जमीर के मुताबिक फैसला दिया। लेकिन अब जब से पीएम साहब ने इंतहाई जुर्रत के साथ अपनी आवाज को बुलंद किया, उस वक्त से इंडिया ने वहां पे अपना नया कानून नाफज किया और उसकी खसूसी हैसियत को खत्म करते हुए वहां पे हिंदू आबादी और दूसरी आबादी को बढ़ाकर इस करारदाद के मुखालफ चलने की कोशिश की, लेकिन आपने उसका रिजल्ट देखा कि पूरे हिंदुस्तान में आग लग चुकी है और इंशाल्लाह आप इसके टुकड़े होने के करीब हैं। ये हदूदो यहूद, ये अमेरिका, इनको ये कश्मीर, फलस्तीन और मुसलमानों के मसाइल नजर तो आते हैं लेकिन ये हल नहीं करते हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये अनकरीब जो 6 माह से ज़ायद जुल्म बर्बरियत की इंतहा हुई है, 1 लाख से ज़ायद शहदा की कुर्बानियां हो चुकी हैं वहां पे, और जब ये पाकिस्तान बना था उस वक्त 14 लाख से ज़ायद कुर्बानियां देकर कायदे आलम ने ये पाकिस्तान बनाया था और नजरिया पाकिस्तान आज ये मजबूत हो चुका है अपनी इस आवाज पे कि हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान के बराबर वहां पे मुसलमान हैं, 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान वहां पर भी आबाद हैं। अब इंशाल्लाह वो अपना भी हिस्सा वसूल करते हुए इंशाल्लाह अपना वहां पे अपनी ममलकतें बनाएंगे। मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी फौज जिसने उस वक्त की मकारी में अमेरिका का साथ देते हुए रशिया को यहां से भगाया, खत्म किया और वो लड़ाई जीत कर पाकिस्तानी फौज ने दुनिया के सामने रखी और आज ये वक्त है जब अमन
इस वक्त मुल्क में पैदा किया गया तो वो आपकी पाक फौज ने किया। इसको इंडिया ने और इसराइल ने मिलके टेस्ट केस बनाने की कोशिश की कि देखें इनमें कितना करंट है, लेकिन हमारी पाक फौज ने उन तैयारों को गिराया और वो उस इसराइल पायलट को पकड़कर पूरी दुनिया के सामने पेश किया कि ये इंशाल्लाह हमारी हदूद में दाखिल नहीं हो सकते। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, लेकिन इसको बड़ी होश के साथ ये मामला उठाने की जरूरत है, इस मसले को हल करने की जरूरत है कि ये जाए कि ये पाकिस्तान अगर ये एटमी जंग के तरफ बढ़ गया तो आप उस हिरोशिमा की तरफ देखें, हिरोशिमा नागासाकी जो उस वक्त अमेरिका ने वहां पे बम गिराया था, तो आज तक उसके बम के असरात वहां पे नजर आ रहे हैं। आप देखें तो उस वक्त उसका दर्जा जो 600 डिग्री तक पहुंच गया था और हर चीज तबाह बर्बाद हो गई थी, और आज उस दूसरी जंगे अजीम के बाद इतना एटम बन चुका है, इतने हथियार बन चुके हैं कि अगर वो चलते हैं तो पूरी दुनिया जो है वो भस्म हो जाएगी। और इस तरह पूरी दुनिया को हम ये बताना चाहते हैं कि इस जंग से बच जाएं, और ये हमारा जो नजरिया पाकिस्तान है ये अमन का पैगाम है। हमने अमन के जरिए पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश की है, उसमें से कुछ ब्लॉक बन रहे हैं, कुछ हमायत में कुछ मुखालफत में, लेकिन हम इस बात पे मुतमईन हैं कि इंशाल्लाह हमारी कौम इस काज पे पाक फौज के साथ पूरे अदारों के साथ सब अदारों के साथ मौजूद है, और इंशाल्लाह यही हमारी कामयाबी है। ये 5 फरवरी का दिन जो है ये हमारी आवाज को ये पूरी दुनिया तक पहुंचाता है और दिखाता है कि ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाज जो है ये एक दिन अपना रंग जरूर दिखाएगी और कश्मीर जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। मेरे भाइयों दोस्तों, ये हदीस जाहिद महमूद कासमी साहब हमारे लामा साहब बयान कर रहे थे कि जब बुराई और जुल्म हो तो उसको अगर ताकत है तो उसको कुचल दो। हम कुचलने की सलाहियत रखते हैं, हमें अपने अदारों पे पाक फौज पे ये मान है कि इंशाल्लाह जब ये खड़ी हो जाएगी तो इसके सामने कोई दुश्मन खड़ा नहीं हो सकता। जिस तरह प्रोफेसर मुनव्वर साहब बता रहे थे कि 50,000 की फौज हो तो उसके सामने 10,00,000 भी कुछ नहीं है। आराम हो रही है, ठीक हो गया। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी पाक फौज है ये पूरी दुनिया के लिए काफी है, इसमें इतना जज्बा है। आप 1965 में चले जाएं, जब बारी आई, जब इंडिया ने देखा कि टैंकों के नीचे जवान जो हैं किस तरह लेट गए, ये इंसान वैसे नहीं लेटता, ये इस्लामी उसके अंदर जज्बा रूह है जिसके जरिए वो अपनी ताकत का, अपने ईमान का, अपनी सलामती का, अपनी जुर्रत का इजहार करते हैं। उस वक्त जब सदर पाकिस्तान अयूब ने कहा था कि इंडिया ने हमला कर दिया है तो पूरी कौम जो है वो फौज के साथ वाघा बॉर्डर की तरफ चली गई, जहां सियालकोट पे चली गई, और पूरी कौम ने उस वक्त साथ दिया, और वो 1965 का जज्बा आज फिर पैदा हो रहा है। इंशाल्लाह जब रियासत के सरबरा जब वो कोई आवाज देंगे, जब कोई वो पुकार करेंगे तो पूरी फौज जो है उसके साथ पूरी कौम जो है वो खड़ी होगी और सब कुछ निस्तो नाबूद भी हो जाएगा। हम ये बताना चाहते हैं कि हम उन करारदादों पे अमल करें और जो कश्मीर है वहां पे जुल्म सितम की जो बर्बरियत 6 माह से ज्यादा अरसे से है उसको आप खत्म करें, और ये पूरी दुनिया जो बादशाह अपने आप को कहलाते हैं वो भी होश के ना पलें, कहीं वो भी ना खत्म हो जाएं, क्योंकि बड़ी बड़ी रियासतें आई बनी, बड़े बड़े दौर आए वो खत्म हो गए। तो नजरिया पाकिस्तान
دراصل نظریہ اسلام ہے اور دو مملکتیں جو ہیں وہ نظریہ کی بنیاد پہ بنی ہیں ایک پاکستان جو نظریہ پاکستان اسلام کی بنیاد پہ ہے اور ایک اسرائیل جو یہود و ہنود ہے اور وہ اسرائیل پیچھے بیٹھ کر سب کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن انشاءاللہ وہ ناکام و نامراد ہوگا اور وہ جو اس نے ہمارے نیو جنریشن پہ یلغار کی ہے وہ اب میں سمجھتا ہوں کمی ہے اور ہماری نئی نسل میں بھی اسلام سے آگاہی پیدا ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم نے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے اس ہندو کلچر کی یلغار کو جس نے ہماری نیو جنریشن کو تباہ و برباد کیا یہاں تک پہنچ گئی وہ انڈین فلمیں وہ ماحول وہ کلچر جس میں ہماری نئی نسل یہ بھول گئی تھی کہ ہمارا نکاح کیسے ہوتا ہے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ بات ہوئی وہ کہتے ہیں ابھی پھیرے تو ہوئے نہیں ہیں تو نکاح کس طرح ہو گیا تو یہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ بہت گمراہ ہو رہی تھی لیکن الحمدللہ اب میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس آواز سے میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا ڈاکٹر مجید نظامی مرحوم کو غلام حیدر بھائی کو جنہوں نے اس آج سے 20 سال قبل ایک فورم قائم کر کے ایک ٹرسٹ بنا کر نظریہ پاکستان بنایا ٹرسٹ بنایا اور وہاں پہ آج لاکھوں طلبہ طالبات اور ہماری نیو جنریشن جب جاتی ہے جب اس حال کا وزٹ کرتی ہے جب اس حال کا وزٹ کرتی ہے تو اس کو اپنی جو ان کے بڑے تھے ان کے متعلق آگاہی ملتی ہے کہ انہوں نے کس طرح اس پاکستان بنانے میں اہم کردار ادا کیا تو یہ نظریہ پاکستان حال الحمدللہ کوئی بھی قومی ایونٹ ہو وہ اپنی آواز کو بلند کرتا ہے اور وہ پوری دنیا میں آواز جاتی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ اس آواز کی بدولت کشمیر بھی آزاد ہوگا ہمارے پاکستان میں اسلامی تعلیمات کو بھی فروغ ملے گا اور اس پہ عمل درآمد ہوگا آج جو میری بیٹیاں بہنیں تشریف لائی ہیں یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک بیٹی کی تربیت جو ہے وہ ایک پورے خاندان کی تربیت ہوتی ہے تو الحمدللہ ہمارے قائدین نے آپ کو موجودہ حالات کے بارے میں اور کشمیر ڈے کے بارے میں کشمیر کے حوالے میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا اور یہاں پہ بیان کیا میں ان سب کا مشکور ہوں ذاتی طور پہ اور سب کا آپ سب کے مشکور ہوں کہ آپ اس حال میں تشریف لائے اور نظریہ پاکستان کی اس آواز کو سنا جو کشمیر کے متعلق آج کی آواز انشاءاللہ میڈیا کے تھرو عوام تک پوری دنیا میں پھیلے گی اور انشاءاللہ کشمیر جلد پاکستان کا حصہ بن جائے گا بہت شکریہ